कोई नहीं कोई नहीं होता है, ग्रुप की बात होती है, एक बार बोल दिया। हम आए हैं जनपद नगर, जाना पड़ेगा अंदर। नमन शर्मा हमारे ब्लॉग। सो ट्रिप जाने के पहले हम गए थे डीकैथलॉन सब एसेंशियल्स लाने और स्नो ट्रैक शूज। हाय गाइस, तो हम पहुंच गए हैं सीएसटी स्टेशन, अब ट्रेन निकलेगी 10 मिनट में, सो जाना पड़ेगा अंदर। और अंदर आते ही हमने खाना शुरू कर दिया था। सो कृष्णा ने लाया था मेथी का भाकरी एंड थेपला। फिर हमारे सीट्स के उधर ही एक फैमिली थी जिसका एक लड़का था, उसने हमें पूछा कि कोड नेम्स खेलोगे आप, तो हमने कोड नेम्स खेला। फिर हमने बहुत बातें की, लंच आ गया था, फिर लंच किया। सो राजधानी में ऑलवेज लंच ब्रेकफास्ट डिनर तो मिलता ही है, सो अच्छा था वो भी। एंड देन हमने की थोड़ी बातें और फिर हम सो गए क्योंकि हमें उठना था जल्दी कल सुबह 5 बजे, हमारा ट्रेन रुकने वाला था। All set to go to sleep. बस बस बस। नमन शर्मा हमारे ब्लॉग। फिर सुबह ब्रेकफास्ट आ गया था, फिर हम उठे, ब्रश किया, ब्रेकफास्ट किया। अच्छा हुआ मेरे साथ कृष्णा थी, कृष्णा ने मुझे सुबह उठ के बोला कि उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था हम उठ पाएंगे कि नहीं, उसकी वजह से वो पूरी रात बीच बीच में उठ रही थी। वेरस मैं ऐसी पर्सन हूँ कि सो गई तो सो गई, फिर जब उठाएंगे लोग तभी उठूँगी। फाइनली हम पहुंच गए थे दिल्ली, और दिल्ली में हम हमारे फ्रेंड का वेट करने वाले थे वेटिंग रूम में। सो हम गए ऊपर हमारा लगेज रखने, फिर वेटिंग रूम में बैठ के मैं मेरा रील्स का एडिटिंग कर रही थी और कृष्णा थोड़ी देर सो गई थी क्योंकि वो रात को बीच बीच में उठ रही थी। इसके बाद हमारे फ्रेंड का कॉल आया और हम उतरे नीचे। आते ही दिल्ली ने कृष्णा का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उसके हाथ पे बोर्ड का शिप दे दिया था। ये है हमारे कॉलेज का फ्रेंड अमन। लिटरल भाई। गुड जॉब। यार लगाया कृष्णा। हम निकाल रहे हैं टिकट फॉर श्री बांगला साहिब। दिल्ली का मेट्रो काफी कंफ्यूजिंग है, बहुत सारी लाइंस है। आज हम आए हैं गुरुद्वारा बांगला साहिब। लेट्स गो। ये है मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, ट्रेन है फ्रॉम दिल्ली एट 3:30, तो उसके पहले हम लोग घूम रहे हैं इधर दिल्ली में। इवन इफ यू आर अ टूरिस्ट एंड अगर आप डायरेक्टली जा रहे हो, सो देर आर लॉकर्स अवेलेबल, सो उधर आपका लगेज आप रखवा सकते हो क्योंकि अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। बाद हम थोड़ी देर अंदर बैठे, इट वॉज सो पीसफुल, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया एंड बहुत ही पीसफुल जगह है। सो इफ यू कमिंग टू दिल्ली डोंट फर्गेट टू गो देर। उसके बाद कारा प्रसाद लिया एंड इट वॉज सो यमी, और लंगर में बैठे। आई एब्सोल्यूटली लव द पंजाबी कम्युनिटी, एवरी वन इज़ सो वेलकम। अब हम आए हैं जनपद नगर, दिस इज द जनपद नगर मार्केट, और यहाँ से हम थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। हिल रोड एंड लिंकिंग रोड का मिक्सचर है बट द प्राइसेस आर नियरली द सेम। भाई दिल्ली के मोमोज दे आर सो यम्मी, ये हमने ट्राई किए पनीर मोमोज एंड बहुत ही यम्मी थे। जब तक मेरी फ्रेंड थोड़े बैग्स देख रही थी मैं पूरा जनपद नगर मार्केट देख के आई, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी वीक डे पे भी। हम जा रहे हैं छोले भटूरे खाने एंड कृष्णा ने बहुत सारे बैग्स लिए हैं फ्रॉम जनपद, सो लेट्स सी दैट। अमन अमन ने लिए इन्हें नहीं बेचने आ पाते, तो एक चूज कर मेरे लिए, मैं कुरियर कर लूँगी। बहुत ज़्यादा भीड़ है, as you can see। टेस्ट टेस्टर्स भाई जल्दी करो, भूख लगी है। अरे
कैसा लगा? अच्छा अच्छा हाई दे ओ माय गॉड मैं काफ़ी पहले एक बार दिल्ली आई थी मेरे फैमिली के साथ जब मैं काफ़ी छोटी थी बट अभी मैं जब आई काफ़ी मुझे डेवलप लगा दिल्ली मतलब एकदम मुंबई जैसा ही है एंड काफ़ी एस्थेटिक है जो साइड हम आज घूमे गाइस थोड़ा स्कैम हो गया जो पिक्चर पे दिखाया था वैसा गोटी सोडा हमें नहीं मिला हमें वो नींबू पानी जैसा गोटी सोडा मिला हम जा रहे हैं हमारा दूसरा ट्रेन पकड़ने दैट इज फ्रॉम दिल्ली न्यू दिल्ली टू देहरादून फाइनली बहुत ही ट्रैवलिंग करने के बाद घूमने के बाद हम बैठ गए ट्रेन में और अब एक ही काम करना है सोना है बट हमारे बाजू के सीट में जो बच्चा था वो इतना आवाज़ कर रहा था तो हमने उसके साथ सोचा खेलते हैं बहुत ही क्यूट बच्चा था डांस डांस नहीं छोड़ी दे करी नहीं नहीं अभी तो कपड़ा वही है क्या भाई पकड़ से तो अजीब मन से फोन कर दूंगा जैसे ठीक है वी हैव रीच्ड देहरादून आते ही हम गए खाना खाने क्योंकि हमें बहुत भूख लगा था हमने खाई चाउमीन और बहुत ही यम्मी था और हमने ली जलेबी रबड़ी जो इधर की बहुत फेमस है लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग बाय